हाय गाइस, नमस्ते गेम चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेरा ग्लो अप रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें थोड़ा सा वैक्सिंग होगा, थोड़ा सा हाथों की केयर, हेयर की केयर और फेस केयर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं वैक्स करने वाली हूँ। तो ये जो वैक्स है वो नॉर्मल वैक्स है, जो हम नॉर्मल वाला यूज़ करते हैं वो। और मैंने आजकल सोचा है कि वैक्स मैं अब से घर पे ही करूँगी, क्योंकि इससे बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। और अभी अभी मैं थोड़ा सा सीख रही हूँ वैक्सिंग करना, क्योंकि मुझे मतलब मैं इतनी प्रो नहीं हूँ घर पे वैक्स करने में, बट हाँ थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ। तो मेरा जो पैरों का वैक्स है वो अच्छे से हो गया है। तो वैक्स करने से पहले ऑलवेज़ आप उसे पैरों को ड्राई रखें, तो थोड़ा सा आप टैल्कम पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने वैक्स को गर्म करके जितने भी हेयर थे वो निकाले, और मेरे जो हेयर थे वो मैंने जानबूझ के लंबे किए थे, क्योंकि मुझे घर पे ही वैक्सिंग करनी थी इसलिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से वैक्स हुआ और स्किन भी बहुत ही स्मूथ हो गई। और गाइस, आप भी घर पे वैक्स कर सकते हो, लेकिन वैक्स करने से पहले हाँ एक बात आप ध्यान रखें कि आप जो वैक्स गर्म कर रहे हो ना, वो ज़्यादा भी गर्म ना हो जाए, उससे स्किन हमारी जल भी सकती है, ठीक है। तो वैक्स करने के बाद पैरों को स्मूथ रखने के लिए और स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए मैं यूज़ करूँगी स्क्रब। तो आप जो स्क्रब है ना वो कोई भी वाला यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे वाओ स्किन साइंस का जो उपटन स्क्रब आता है ना वो यूज़ कर रही हूँ। और जितनी भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो चेक कर लेना। एकदम जेंटली हल्के हाथों से आप स्क्रब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, नेल्स हमारे बहुत ही गंदे हो जाते हो, तो नेल्स क्लीन करने के लिए आप जो ऐसा टूथब्रश आता है ना, जो हम करते हैं, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, वैसा वाला टूथब्रश आपको लेना है और नेल्स को क्लीन करने का। गाइस, ये वाला हैक आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके पास नेल के लिए स्पेशली टूल नहीं है तो आप इस तरीके से ब्रश का यूज़ करके भी नेल्स को क्लीन कर सकते हैं, जिससे सारा जो डर्ट है ना वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद गाइस क्या होता है कि हम वैक्स करते हैं ना, तो थोड़े से जो छोटे छोटे जो हेयर होते हैं ना वो रह जाते हैं, तो उसे रिमूव करने के लिए मैं प्लकर का यूज़ कर रही हूँ, जिससे छोटे छोटे एक दो हेयर है वो निकल जाते हैं इजीली। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी। और दोस्तों, उसके बाद हमारे जो पैर है ना वो इतने स्मूथ, इतने ब्यूटीफुल लगते हैं ना, ट्रस्ट मी। आप ज़रूर ट्राई करना, अगर आप घर पर वैक्स करो तो ये सारे प्रोसेस ज़रूर ट्राई करना। और बाहर से भी वैक्स करके आते हो ना, तो भी आपके पैरों की केयर आप वीक में एक बार इस तरीके से ज़रूर करना। उसके बाद हाथों की केयर के लिए तो मैं सिर्फ बस ये जो पुरानी वाली जो नेल पेंट है ना वो मैं निकाल रही हूँ। बस इस बार तो मैं हाथों की केयर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ नेल पेंट ही चेंज करूँगी। आप चाहे तो आप हाथों पे भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ मैं ये वाली OPI की नेल पेंट यूज़ करूँगी, जो कलर बहुत ही अच्छा है, पेस्टल कलर है और मेरे नेल्स पे अच्छा लगता है। एक्चुअली इंडियन जो हमारे इंडियन टोन होता है ना, उस पे ये वाला कलर बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं ये वाला कलर। और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है उसकी नेल पेंट, तो जल्दी निकलने का भी डर नहीं रहता। उसके बाद आते हैं हेयर केयर पे। तो सबसे पहले तो हम टैंगल्स को रिमूव करेंगे, क्योंकि टैंगल्स बहुत ज़रूरी है रिमूव करना। उसके बाद ही हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि टैंगल्स अगर अच्छी तरीके से नहीं निकला तो प्रोडक्ट अच्छी तरीके से नहीं लग पाएगा और बाल उलझ जाएंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा था बहुत सारे वीडियो में, टैंगल्स को रिमूव करने के लिए सबसे पहले नीचे की साइड से रिमूव करते करते ऊपर की साइड पर जाना है, जिससे टैंगल ईजिली रिमूव हो जाएंगे। और हाँ गाइस, आज मैं रिवर्स शैम्पू टेक्निक यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं कंडीशनर यूज़ करूँगी, उसके बाद शैम्पू यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने सारे बालों में कंडीशनर यूज़ कर लिया है, अब मैं इसे 15-20 मिनट तक रखूँगी। अब मैं करूँगी फेस केयर। तो फेस केयर पे सबसे पहले मैंने ना कोकोनट ऑयल यूज़ किया है और मैं मसाज करने वाली हूँ। गाइस, ये वाली टेक्निक भी आप 15 दिन में या मंथ में एक बार कर सकते हैं, जिससे हमारा ना फेस का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाता है और बहुत ही अच्छा फेस पे नेचुरल सा ग्लो आता है, पिंकी सा ग्लो। तो मुझे ये वाली टेक्निक बहुत ही अच्छी लगी। और अगर आपके डार्क सर्कल है ना, वो भी धीरे धीरे से कम दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे फेस पे पूरा ब्लड बहुत ही अच्छी तरीके से सर्कुलेट होगा, जिससे हमारी स्किन ग्लोइंग भी लगेगी
और हमारे फेस पे जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होती जाएगी। और हाँ गाइस, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है ना, तो आप ये वाली टेक्निक है ना थोड़ा स्किप कर सकते हैं, हाथों वाली टेक्निक। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, या फिर पिंपल नहीं है आपकी स्किन पे, तो आप ये वाले टेक्निक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब मैं बाथ ले लूँगी। बाथ लेने के बाद आप देख सकते हैं गाइस, रिवर्स शैम्पू टेक्निक बहुत ही अच्छी है, रिवर्स हेयर वॉश टेक्निक। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, पहले कंडीशनर फिर शैम्पू, उसके बाद कंडीशनर यूज़ नहीं करना है। तो ये वाले टेक्निक आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे बाल हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा बहुत स्किन केयर करने लगी हूँ, तो मैं टोनर अप्लाई कर लूँगी। और गाइस, अभी समर भी स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको समर स्किन केयर रूटीन का वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत स्किन केयर करने वाली हूँ, और आप कौन कौन से वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया आएगा कि आप किस टाइप के वीडियो देखना चाहते हो। तो प्लीज़ इतना काम मेरा ज़रूर कर देना। और हाँ गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो ना, तो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है। तो इंस्टा पे भी मैं छोटे छोटे वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी स्किन केयर हेयर के रिलेटेड, तो वहाँ पे भी ज़रूर मुझे फॉलो कर लेना। उसके बाद मैं थोड़ी न्यूड शेड की लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी, और वही लिपस्टिक को मैं एज ए ब्लश की तरह यूज़ कर लूँगी, ताकि बहुत पिंकी सा ग्लो आए। तो बस गाइस, आप देख सकते हो यही है मेरा ग्लो अप रूटीन, बहुत ही इजी सा, और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा खुद की केयर करके। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।